अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लजीज तरकारी। आज मैं आपको बेसन की बर्फ़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर 1 किलो मैंने बेसन लिया है, 750 ग्राम मैंने शक्कर ली है। थोड़ी सी कम डालेंगे हम, बराबर नहीं डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट भी लिए हैं मैंने, काजू बादाम को किसा हुआ है, नारियल किसा है, इलायची लिए 8 से 10 और फूड कलर लिया हुआ है, 1 किलो घी लिया हुआ है। इसे इस्तेमाल करेंगे हम बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। चलिए मैं आपको अब बनाना बताती हूँ। बेसन में फूड कलर डालेंगे, जितना डार्क आपको बर्फ़ी रखना है उतना ही आप कलर ले सकते हैं। इसे पानी से ही गूंदेंगे हम, अगर आप दूध से गूंदना चाहें तो और भी अच्छी बर्फ़ी बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी से गूंदने से भी बर्फ़ी अच्छी बनती है। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं गूंदेंगे, थोड़ा कर्रा ही गूंदेंगे ताकि हमारी लोइयाँ अच्छे से बन जाएँ। देखिए हमारा बेसन का आटा अच्छे से गूंद चुका है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए थाली से ढककर रख देंगे ताकि ये हमारा आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा देखते हैं हम। अब हमारा आटा बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम थोड़ा सा थाली में घी ले लेंगे। घी को हाथ पर लगा लगा कर लोइयाँ बनाएंगे, जैसे बाटी की लोई रहती है उसी तरीके से लेना है। रोटी के लिए तो छोटी लोई लेते हैं हम, लेकिन हमें बाटी के आकार की लोई लेना है। इसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाना है, बीच में से दबा देना है। अब हमारी पूरी लोइयाँ बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बनाकर रख लेंगे। फिर कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे, घी में ही हम फ्राई करेंगे हमारी लोइयों को। घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी हम इसमें हमारी लोइयाँ डालेंगे ताकि वे फूल कर ऊपर आ जाएंगी। ठंडे घी में डालेंगे तो वो नहीं फूलेंगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी लोइयाँ फ्राई हो रही है। हमें इन लोइयों को डीप फ्राई ही करना है ताकि ये अंदर तक पूरी सिक जाएं। हमारी लोइयाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बाकी की बची सारी लोइयाँ भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें ठंडा होने के बाद बीच में से फोड़ेंगे, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सभी लोइयों के टुकड़े करके रख लेंगे। फिर लोइयों के टुकड़ों को हम मिक्सर के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। थोड़े थोड़े टुकड़े डालेंगे, 1 से 1.5 बाटी के टुकड़े डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो ग्राइंड नहीं होंगे अच्छे से। देखिए मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसे पीस लिया है। जैसे मैंने पीसा है ऐसे ही आपको भी पीसना है। मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा लोई का आटा पिस चुका है, बिल्कुल रवे की तरह दिख रहा है, खस्ता हो गया है। बेसन की बर्फ़ी भी बहुत ही खस्ता बनेगी। अब थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे, हल्की मध्यम आंच पर भूनना है। मीडियम चम्मच से हम 4 चम्मच घी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मध्य आंच पर भूनना है, बीच बीच में चलाना है, छोड़ना नहीं है नहीं तो चिपक जाएगा। चम्मच की मदद से ही हमें इसे चलाते रहना है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका कलर डार्क हो जाएगा। मध्य आंच पर ही भूनना है, तेज आंच पर तो जल जाएगा। देखिए कलर डार्क हो चुका है, कितने अच्छे तरीके से हमारा बेसन का बूरा भून चुका है। अब हम बर्फ़ी बनाना बताते हैं। 2 टेबल स्पून घी डाला है मैंने कढ़ाई में और इलायची से बघार लगा दिया है मैंने घी में। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी ताकि हमारी बर्फ़ी ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा नरम हो, अच्छे से जम जाएगी। 1 किलो बेसन पे 1/2 गिलास पानी लेना है हमें। इसके बाद जो 750 ग्राम मैंने शक्कर ली थी वो भी इसमें डालना है और इसे तेज़ आंच कर चम्मच से चलाते हुए चाशनी बनाना है।
चम्मच से हिलाते हुए देखिए शक्कर धीरे धीरे घुल रही है, मतलब हमारी चाशनी बन रही है। इसे हिलाते ही रहना है। देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है, मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया है। चाशनी को हाथ से हम करके देखना था हमें, लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, दो तार आने लगे तो समझिए हमारी चाशनी बन चुकी है। फिर हमारा जो बूरा है इसमें मिक्स कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो टाइट हो जाएगा वो ज़्यादा। इसके बाद बड़ी थाली में हम घी लगा लेंगे नीचे, और थोड़ा सा खोपरे का बूरा डाल देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी नीचे से भी खूबसूरत दिखे, ऊपर से तो रहेगी खूबसूरत। देखिए इस तरीके से मैंने घी लगा लिया है और बूरा भी डाल रहे हैं हम नारियल का। इसके बाद जो हमारा मटेरियल है उसमें भी हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, पूरे नहीं डालेंगे, थोड़े से डालेंगे ताकि हम ऊपर से सजाने के लिए भी हमें ड्राई फ्रूट रखना है। यहाँ पर मैं मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर है उनसे मैं मेरी मदद ले रही हूँ बनाने के लिए। ये मटेरियल बहुत गर्म है, इस मटेरियल को मैं चम्मच से फैला रही हूँ। यहाँ पर मेरी जो बड़ी बाजी हैं वो भी मेरी बर्फ़ी बनाने में मदद कर रही हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। जब हमारी बर्फ़ी गीली है अभी, तभी हमें इसको जिस आकार में आप काटना चाहें काट लेंगे। मैं यहाँ चौकोर आकार में काट रही हूँ, आपको जैसे भी पीस बनाना है आप बना लें। देखिए मैं इस तरीके से पीस बना रही हूँ। रमज़ान के लिए ये बहुत ही स्पेशल डिश है, इसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम इफ्तार के टाइम इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है हमारी बर्फ़ी। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। जब हमारी बर्फ़ी के आकार कट जाएँ तो हम इसे पंखे के नीचे 20 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सूख चुकी है हमारी बर्फ़ी और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। बूढ़े इंसान भी बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं इसे। आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।